हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 6 बज रहे और बहुत जल्दी से मैं नहा कर आ गई हूँ। तो डेली अपने क्लीन के काम करते करते मुझे 8 बज जाते, आज थोड़ा सा जल्दी नहा कर आ गई हूँ क्योंकि अलग से बहुत सारे काम हैं। आज मुझे परडी भरनी है, इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी नहा कर आ गई हूँ। मॉर्निंग वाले काम तो मेरे 4 बजे से शुरू हो गए हैं और बाहर पानी छिड़क के रंगोली वगैरह बना दिए मैंने। 5 बजे ही मैंने रंगोली बना दी बाहर। और यहाँ पर पंछी देखिए, सुबह 5 बजे से शुरू है इनकी किलकिलाहट। इधर दो बैठते हैं और इनके बीच में चर्चा होती है, पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं। चू 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 चू, सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है डेली इनका। तो आज दिन मंगलवार का है, डेट है 4 अक्टूबर और आज है नवमी। तो आज मुझे परडी भरनी है, अलग से बहुत सारी तैयारी करनी होती है परडी भरने के लिए। सारी पूजा की सामग्री भी मुझे मंगवानी है और चावल जो बनते हैं, जो राड़े के चावल हम उसे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, जो लाल लाल कलर के सुनहरे कलर के चावल आ जाते, तो वही चावल चाहिए होंगे। तो नहीं है घर में एक्स्ट्रा, क्योंकि डेली हम इसके चावल नहीं बनाते। तो दिनेश को मैं मार्केट भेज दूँगी सब लाने के लिए। तो दिनेश अभी भी जग के ब्रश वगैरह कर ले रहा है, जैसे जल्दी से जगता नहीं, छुट्टी वाले दिन बहुत आलस करता है जगने में। तो ये देखिए हमारे राजकुमार उठ के ब्रश कर ले रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ जल्दी से नहा के मार्केट चले जाओ ताकि मुझे टाइम से सारा सामान मिल जाए। पूजा की सामग्री अगर मुझे टाइम से मिल जाएगी तभी मैं सब टाइम से सब कुछ बना पाऊँगी। जो परडी भरने वाले हो आज जल्दी से मिल नहीं पाते क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। सारे लोग परडी भरने वाले होते सब उठा उठा कर लेके जाते परडी को और उसके पीछे उनको भी जाना पड़ता है। तो दिनेश भी जल्दी से मार्केट से सारा सामान ले आएगा तो इसे भी मैं परडी लाने के लिए भेज दूँगी, क्योंकि परडी मिल पाना आज बहुत ही मुश्किल है, जल्दी से नहीं मिल पाते। क्योंकि सारे जैसे हमारा व्रत रहता है, कल मैंने व्रत पकड़ा है, डेढ़ दिन का व्रत बोलते हैं, जैसे डेढ़ दिन का व्रत मतलब आज परडी भर के खाना खा लेते हैं तो व्रत हमारा पूरा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा सारे लोग इसी तरह से करते हैं। जैसे 9 दिन का जो नवरात्र में उपवास रहता है जिन जिन लोगों का, उनका भी आज परडी भरने के बाद जो उपवास है वो छूट जाता है, आज के दिन पूरा हो जाता है, तो परडी भरने के बाद ही खाना खा लेते हैं। तो इसी वजह से आज सब लोग परडी भरने के लिए सुबह से लग जाते हैं। जैसे कोई कोई क्या करता है, सुबह 3 बजे से शुरुआत कर देता है खाना बनाने के लिए और सुबह 6 बजते ही परडी भर देते हैं। तो मुझे ये सही नहीं लगता ये टाइम, क्योंकि दिन रहते हमें परडी भरना चाहिए। सुबह के 9-10-11 बजे तक हम परडी भर सकते हैं, मगर सुबह 5 बजे 6 बजे मुझे उस सही नहीं लगता है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैंने मॉर्निंग वाले काम जल्दी से मैंने निपटा लिए, मगर परडी भरने के लिए जो खाना बनाना है मुझे वो मैं अब बना रही हूँ। जैसे पहले तो मैंने अलग से पानी भर लिया है, जो भी पिया हुआ पानी वगैरह हम नहीं लेंगे। इसके लिए पीने के लिए मैंने अलग हांडा भर के रख दिया है, चाय वगैरह उसी से बनेगी। और जो खाना बनने वाला है वो जो कैन में मैंने पानी भर के रखा है किचन पर, इसी पानी से मैं सारा खाना बना लूँगी। जो परडी में भरना है भगवान के लिए, भोग लगाने के लिए, सबके लिए मैंने अलग पानी ले लिया है। तो दूध आ चुका है तो दूध गर्म कर लिया है। हाँ देखा ना आपने, दूध भी अभी आया है। मैंने बहुत जल्दी से लग चुकी हूँ अपने मॉर्निंग रूटीन में, सुबह 4 बजे से लग गई हूँ क्योंकि मुझे परडी का सारा खाना बनाना है और जो परडी भरने वाले वो जल्दी से मिल नहीं पाते। तो मन में एक ही बात चल रही है कि जल्दी से खाना बनाओ, दिनेश लेके आएगा फिर मैं परडी भरूंगी। तो ये चल रहा है, खाना खाने की जल्दी नहीं है मगर मुझे परडी भरनी है जल्दी, क्योंकि बाद में वो मिल नहीं पाते। और आम बिल बनाने, जैसे मट्ठा बोलते हैं, मट्ठा बनाना है तो इसके लिए मैंने ज्वार का आटा अच्छे से पका लिया है और उसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। और चावल बनने के लिए रख दिया है, जो डेली चावल बनते हैं हमारे व्हाइट वाले, वो चावल बन चुके हैं। और यहाँ पर फीकी दाल बनेगी तो मैंने अरहर की दाल पका ली, इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के हम रवि से इसे मिला लेंगे। तो जब तक चाय बन रही तब तक मैं अपने ये सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी खाली टाइम जाने नहीं देंगे, साथ ही साथ सारे काम करेंगे ताकि सारे काम हमारे टाइम से हो जाए और मैं टाइम से परडी भर पाऊँ। तो इधर चाय भी बन रही, इधर दाल भी जो मिलाकर रख दी, बस इसमें तड़का लगाना बाकी है और अम्बिल बनानी है। और आज फल बनते हैं, जैसे ढोकली, ज्वार की ढोकली बनती है और जो राड़े के चावल मैंने बोला ना तो चावल बनते हैं, फीके चावल और मट्ठा, ये सब बनता है परडी भरने के लिए। तो ये आधा खाना तो बन ही चुका है, चाय जब तक बन रही तब तक आधा खाना मेरा बन गया। अब दाल में तड़का लगा देते हैं। और इधर ये जो आटा मैंने पका कर रखा है मट्ठा बनाने के लिए वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसमें हमें अदरक लहसुन और हरा धनिया बारीक इसका पेस्ट बना के हमें इसमें मिक्स करना है और स्वाद के अनुसार नमक ये सारी चीज़ डाल के हमें इस आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर बाद में हमें छाछ मिलानी, बस मट्ठा हमारा तैयार हो जाएगा। पहले तो हम दाल में तड़का लगा देते हैं। यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख दी, इसमें 2 चम्मच ऑयल ले लिया, इसमें जीरा और राई डाल दी, जीरा राई जैसे चटक गया है बाद में डालेंगे हम कड़ी पत्ते और लहसुन के टुकड़े, इस तरह से लहसुन के टुकड़े बना लिए। फिर बाद में कटा हरा धनिया डाल दिया है और ये फीकी दाल इसमें उडेल देंगे। तो जल्दबाजी में कैसे काम हो जाते हैं, तो थोड़ी दाल नीचे फैल गई गैस के ऊपर, पूरा फैला फैला हो गया। तो जब जल्दबाजी में होती हूँ ना तो कुछ काम मेरे ऐसे हो जाते हैं, खुद से अपने काम में बढ़ा लेती हूँ। तो सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया है,
तो ये दाल जब तक पक रही है तब तक मैं यहाँ पर मट्ठा बना लेती हूँ। तो ये जो आटा हमारा पका कर रखा था वो अच्छे ठंडा हो गया, तो इसमें मैंने अदरक लहसुन और हरा धनिया अच्छे से पेस्ट बना के डाल दिया और स्वाद के अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिला कर रखा है, अभी छाछ नहीं डाली है। तो अब हम पहले बना लेते हैं ढोकली। तो ढोकली बनाने के लिए मैंने कैन में से 2-3 लीटर पानी इस कढ़ाई में ले रही हूँ और इसे हम पानी गैस पर रख देंगे, इसमें एक उबाल ले आएंगे। जब तक इस पानी में उबाल आ जाती है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो इस साइड मैंने चावल रख दिया, इस साइड मैंने पानी रख दिया है और इस पानी को ढककर रख देंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। और जब तक इस पानी में उबाल आ जाती है तब तक हम यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। और कोई कोई गेहूँ के आटे से ढोकली बना लेता है और मैं ज्वार के आटे से ढोकली बना लेती हूँ। तो इस आटे में मैंने थोड़ा सा नमक मिला लिया, अच्छे से मिक्स किया। अब एकदम ठीक हमें आटा लगाना है, जैसे रोटी के लिए हम आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें आटा लगा लेना है। और हाथ से छोटी छोटी हमें ढोकली बनानी है। गेहूं के आटे की भी बहुत ही बढ़िया ढोकली बनती है और मैं ज्वार के आटे की ही बना लेती हूँ, तो यही बना रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए मैं आटा एकदम ठीक हमें लगा लेना है। तो आटा अच्छे से लग चुका है, अब हम इसकी ढोकली बना लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा आटा ले के हमें हाथ पर छोटी छोटी ढोकली बनानी है, इस तरह से उंगली से दबा के। तो इस तरह से मैंने छोटी छोटी ये ढोकली बना ली है। अब देख लेते हैं पानी में उबाल आ गए या नहीं। तो ये देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ गए। अब हम इसमें उबलते हुए पानी में ढोकली जितनी हमने बना ली है वो सारी डाल देंगे और गैस थोड़ी सी धीमी करेंगे ताकि ये उबले ना। अब इसी तरह से हम और ढोकली बना लेंगे। तो आज सबके लिए यही बनेगा, जैसे अलग से खाना कुछ बनाऊंगी नहीं, परडी के लिए भी यही खाना और सबके लिए खाने के लिए भी खाना बनेगा। तो थोड़ी सी ढोकली भी मुझे ज़्यादा बनानी है। तो अभी थोड़ी सी ढोकली बना के मैंने इसी पानी में डाल दी, इसमें एक उबाल आने दी। ये ढोकली जो हमने डाली इसे अच्छे से पकने देते हैं, जैसे ढोकली पक जाएगी तब हमें इसे निकाल कर फिर दूसरी ढोकली हमें इसमें डालनी है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी ढोकली हम इसी पानी में डालेंगे तो सही से पक नहीं पाएगी, एक दूसरे को चिपकने लगेगी और सही से पक नहीं पाएगी। तो जितनी पकी है उतनी हम इस छन्नी रख दी मैंने एक बर्तन पर और उसमें ढोकली हमें निकाल लेनी है। तो ये देखिए ये सारी ढोकली मैंने निकाली और अलग से मैंने ढोकली यहाँ पर बना कर रख दी। तो अभी ये पानी इसी पानी में अभी थोड़ी सी हम ढोकली डाल देंगे। तो इसी तरह से हम सारी ढोकली बना लेंगे। तो दिनेश भी मार्केट से आ गया है और जो मैंने राड़े के तांदूल जो आपको बोला था ना चावल राड़े के, तो ले आए हैं। वो चावल तो नहीं मिले मगर ऐसे साबुत राड़े मिले हैं, तो इस तरह से रहते हैं राड़े देखिए। तो इसे चावल तो नहीं मिले तो हम इसके चावल बनाएंगे। तो मैंने इसे मिक्सी जार में लेके उल्टी मिक्सी की घुमाएंगे ताकि इसका ये चावल जो है अच्छे से निकल पाए, पूरे साबुत चावल निकलेंगे इस तरह से। तो ये देखिए 2-3 बार मैंने मिक्सी घुमा ली तो पूरे साबुत चावल निकल आए हैं। तो मैंने इसे अच्छे से फटक लिया है। अब हम इसे अच्छे से धुल के पकने के लिए रख देते हैं, जैसे परडी में परडी भरने के लिए पूजा के लिए हमें यही चावल चाहिए। डेली तो नहीं बनते इसलिए एक्स्ट्रा मेरे पास नहीं है, तो मैंने मार्केट से मंगवा लिया और इसके चावल बनाकर फिर मैं इसे अच्छे से धुल के पकने के लिए रख दे रही हूँ। तो इधर मेरी ढोकली भी पूरी बन चुकी है, जितनी भी बन रही है मैं निकाल निकाल के छन्नी में से निकाल के डब्बे में भरते जा रही हूँ, क्योंकि सबके लिए परडी के लिए सबको खाने के लिए यही बनेगी। फीकी दाल, ढोकली, चावल और मट्ठा यही सब बनता है आज। तो अभी थोड़ी सी ढोकली जो है पक रही थी वो भी मैं छन्नी में निकाल कर ले लेती हूँ। तो मेरा खाना पूरा बन चुका है, बहुत ही जल्दी में मैंने खाना बना लिया है। जैसे सुबह से अब 8:30 बज रहे सुबह के और इस जल्दबाजी में खाना बनाने की मैंने पूजा नहीं की अभी तक। तो दिनेश बोल रहा था कि मम्मी आप खाना बना लो पूरा, मैं पूजा कर लेता हूँ। वैसे तो भगवान को उठाना नहीं है, जगह पर ही उन्हें हल्दी कुमकुम फूल चढ़ा के पूजा करनी है। तो दिनेश ने पूजा कर ली है और यहाँ पर मेरा खाना भी बन चुका है। तो साथ ही साथ काम करें तो सारे काम मेरे टाइम से हो गए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह से जैसे सुबह की शुरुआत ही बहुत अच्छे से हुई है, एकदम मूड फ्रेश है मेरा। जैसे सारे काम हमारे टाइम से और मन से होते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो पापा जी तुलजापुर गए थे, जैसे घट स्थापना नवरात्र शुरू हो जाते तो हर देवी के मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, हम भी गए थे और पापा जी भी गए थे। तो ये तुलजापुर का प्रसाद वगैरह ले आए हैं, तो ये प्रसाद भी मुझे परडी में भरने के लिए ले लेना है। तो ये सब कुछ मैं निकाल ले रही हूँ, जो भी परडी में भरना है सारी सामग्री मैं निकाल ले रही हूँ। यहाँ पर सीधा निकाला है दाल, चावल, आटा और कड़कनी, कोटबड़े जो भी हमने कल बनाया था वो सब कुछ मैंने ले लिया है। और जो जो मैं ले रही हूँ सब कुछ यहाँ पर लाकर रख दे रही हूँ मंदिर के सामने, ताकि मैं बाद में भूल ना पाऊँ। जैसी परडी आ जाएगी बहुत हड़बड़ी हो जाएगी, मैं कुछ भूल भी सकती हूँ, इसलिए याद कर करके सारी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा करते जा रही हूँ, सारी पूजा की सामग्री। तो इतना सामान मैंने रख दिया है और दिनेश ने पूजा तो कर ली मगर माता रानी की आरती करनी रह गई थी, तो आरती मैं कर ले रही हूँ।
और वो डाल दिया है मैंने। वो डालने से पूरे घर में बहुत ही अच्छी महक आती है, बहुत ही मन प्रसन्न रहता है। तो मैंने वो डाल दिया है, अब लगा लेते हैं हम वो। तो थाली में जो जो हमने बनाया है वो सब कुछ थाली में लगा लेते हैं। तो ये है ढोकली, तो मैंने इतनी सारी ढोकली बना ली है क्योंकि सबके लिए खाने में यही बनी है और भोग के लिए, परड़ी के लिए, सबके लिए यही ढोकली बनी है। अब ले लेते हैं चावल। तो ये डेली वाले चावल है जो हम डेली बनाते हैं, वही चावल ये है। और जो मैंने पीले चावल बनाए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज परड़ी के लिए वही चावल बनते हैं। तो ये है फीकी दाल, तो फीकी दाल ले लेते हैं। और कटोरी में मैंने मट्ठा ले लिया है, तो परड़ी में ये सब कुछ लगता है तो इसलिए मैंने सब कुछ ये बना लिया है। और खाने में भी आज ये बनता है। अब लगा लेते हैं थोड़ा सा घी। तो प्रसाद में मैंने, जैसे भोग में मैंने घी लगा लिया है। तो ये है पीले चावल जो इस तरह से आपको दिख रहे, ये पीले चावल है। और कड़कनी कुड़बड़े सब कुछ मैंने रख लिया है। तो सारा भोग, जो भोग की थाली हो तैयार है। तो पूजा में जो जो लगने वाला है सब कुछ मैंने पहले निकाल कर रखा है, बस परड़ी का वेट हो रहा है। दिनेश गए परड़ी लाने के लिए और मैंने पूजा की सारी सामग्री जो है इकट्ठा कर ली है। जैसे ही दिनेश आ जाएगा हम परड़ी भर लेंगे, तब तक मैं भगवान को भोग लगा लेती हूँ। तो भगवान को भोग लगा लेते हैं। और गाय के लिए भी मैं निकाल कर रख देती हूँ, अगर गाय आई होगी तो तुरंत ही जाकर दे आऊँगी। मगर कभी कभी गाय नहीं आ पाती है तो दोपहर में, फिर बाद में जब आएगी तब मैं दे दूँगी। गाय के नाम का मैं निकाल कर रख देती हूँ। तो जब तक मैं भोग लगा रही थी तब तक दिनेश परड़ी ले आया है। तो ये देखिए, इसे बोलते हैं परड़ी, जो मैं सुबह से वेट कर रही थी। और आज ना बहुत भीड़ रहती है, परड़ी मिल ही नहीं पाती है। जो परड़ी ले आते हैं ना उनकी परड़ी उठा कर ले जाते हैं, फिर वो क्या करेंगे, उनके पीछे पीछे उन्हें जाना पड़ता है, जैसे दिनेश ने किया है। दिनेश ने बिल्कुल ऐसा ही किया है, क्योंकि ऐसे ही वेट करते रहेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, हमें परड़ी मिल नहीं पाएगी। तो दिनेश भी किसी के घर में परड़ी भर रहे थे, उनका होने के बाद दिनेश परड़ी उठा कर ले आया है। तो मैं सारी पूजा की सामग्री फटाफट से लेके चलती हूँ, क्योंकि परड़ी लेने के लिए और भी बहुत सारी दीदियाँ बाहर आके वेट कर रही है, क्योंकि आज परड़ी भरे बिना कोई खाना वगैरह नहीं खाता है। तो इसी वजह से आज परड़ी भरने की बहुत ही जल्दी रहती है सबको। तो अब कर लेते हैं पूजा। पापा जी बाहर गए थे तो ये भी आ चुके हैं, तो अब सब मिलके परड़ी की पूजा कर लेते हैं। दिनेश के पापा नहीं आ पाए हैं। तो बाहर दो तीन लोग खड़े हैं परड़ी ले जाने के लिए, वेट कर रहे हैं कि कब पूजा होगी और कब परड़ी लेके जाएंगे। तो पहले तो मैंने परड़ी की अच्छे से पूजा कर ली है। और जो हमने मट्ठा बनाया था वो मट्ठा मैंने पहले यहाँ पर लोटे में डाल दिया। और जो फीकी दाल बनाई थी वो जग ले आए हैं बच्चे, तो इस जग में डाल दिया है। पहले अच्छे से पूजा करके हमें सबको डाल देना है। और जो भी पूजा की सामग्री है वो सब कुछ हम डालेंगे। और ये छोटे बच्चे हैं तो इन्हें देखिए परड़ी भर गई है, तो ऐसा इन्होंने खाली नहीं किया, क्योंकि बच्चों को उतना समझ में नहीं आता है, बड़े कोई आए नहीं है। जैसे एक ही घर में बहुत सारे लोग परड़ी भर लेते हैं, आज इनके घर में जैसे मान रहता है इनके घर में, तो इनके मम्मी पापा अलग अलग घर में गए परड़ी लेके भरने के लिए और बच्चे यहाँ पर आए हैं। तो वही मैं पूछ रही थी, कोई बड़ा आया होता तो सही होता, क्योंकि परड़ी भर चुके और बच्चों को लेके जाने के लिए नहीं आ रहा है। तो ये प्रसाद जो तुलजापुर का है ये लेने के लिए, बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, मगर इस थैले में कोई कवर वगैरह दिख रहा है तो कवर में मैं डाल देती हूँ। और जो हल्दी कुमकुम है वो पूड़ी बना के मैं दे देती हूँ, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है, एक परड़ी और थैला ले आए हैं, बस इतना ही ले आए हैं। अगर बड़े आते तो सब कुछ अच्छे से ले आते, मगर इनके पास देखिए एक परड़ी और थैला ही ले आए, तो अच्छे से मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और दिया लगाने के लिए इनके पास ड्यूटी रहती है, वो भी नहीं है, बच्चे नहीं ले आए हैं। तो मैं बोल रही, तो एक कटोरी दे रहे बच्चे, इनमें आप डाल दीजिए, हम घर में जाने के बाद ड्यूटी में लगा देंगे। तो मैंने तेल और ये बाती दे दिया है। तो जो मैंने सीधा निकाल कर ले लिया था, दाल चावल प्याज हरी मिर्च नहीं लाल मिर्च है, ये सब कुछ ले लिया है। तो ये सब कुछ एक अलग कवर में ले रहे हैं बच्चे, क्योंकि परड़ी में कुछ भी नहीं बैठेगा। परड़ी देख सकते हो फुल भर गई है, इसमें खाली भोग का ही मैं रख दूंगी, अलग से कुछ नहीं बैठ पाएगा, भर गई है। अगर ये बच्चे घर जाके परड़ी खाली करवा के ले आते तो सही होगा, क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारे घर है जहाँ पर इन्हें परड़ी भरना है, और वो लोग यहाँ से अब इनको जाने नहीं देंगे। एक से दो घंटे लगेंगे यहाँ पर पूरे घर ये निपटा कर जाने में, और ये परड़ी में और भोग नहीं बैठेगा, ऐसा है भर गई है। तो मैंने जो भी सीधा का सामान था मेरा वो सब कुछ इस थैले में डाल दिया है, अलग अलग कवर में बांध के। अब हम परड़ी भर लेते हैं। परड़ी में सारा भोग का मैंने भर दिया है, जैसे जो भी मैंने भोग का थाली में ले आई थी, भोग की थाली, वो सारी परड़ी में मैंने भर दी है। अब कर लेते हैं हम आरती और नारियल तोड़ लेते हैं। तो मैंने कपूर लगा लिया है, आरती कर ले रही हूँ, और दिनेश नारियल तोड़ेगा। तो इस तरह से हमने परड़ी की
पूजा आरती कर ली है और ये हल्दी कुमकुम एक पुड़ी में बांध कर हमने पल्ली में रख दिया है। तो दिनेश ने नारियल तोड़ लिया है तो इसमें से मैंने आधा नारियल उठा के पर्डी में रख दिया है और आधा हम प्रसाद समझ के ले लेते हैं। तो आप कर लेते हैं पर्डी के दर्शन। जैसे माता रानी है ये, तो ये देखिए माता रानी का बहुत ही ज़ोरदार मुझे आशीर्वाद मिल गया है। जो बच्चे नींबू के फांदे ले आए हैं ना, नीम के फांदे, तो उससे बहुत ज़ोरदार आशीर्वाद दे रहे। जैसे मैं दर्शन के लिए झुक गई तो ये ज़ोरदार मेरी पीठ पे ऐसे मार रहे थे, तो मैंने बोला ना माता रानी का बहुत ही ज़ोरदार मुझे आशीर्वाद मिल गया है। पापा जी ने भी आरती कर ली, अब ये भी दर्शन कर ले रहे, तो इन्हें भी देखिए सबको ये बच्चे इस तरह से ज़ोरदार देवी का आशीर्वाद दे रहे। तो पापा जी कुछ बता रहे कि पर्डी भर गई, खाली करवा के ले आओ तभी आप दूसरा सामान इसमें ले सकते हो। तो इस तरह से हमने पर्डी भर ली, पूजा आरती कर ली है। तो आप बताएं फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर्डी कैसे भरी जाती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आपको ही बाय बोलते हैं, इस वीडियो को ही फ्रेंड करते हैं और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे न्यू वीडियोज़ न्यू ब्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।